आज हम लोग क्लास सेवन में पढ़ने जा रहे हैं पहला क्लास फाइबर्स के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फाइबर्स होता क्या है। आप लोगों ने धागा नुमा संरचना देखा होगा। जैसे आप जब कपड़ा लेते हो तो चाहे वो गमछा हो या साड़ी हो, वह धागे से मिलकर के बना हुआ होता है, जिनको थ्रीड्स कहते हैं। या कूलर के पीछे तुम देखते हो घास जैसा बहुत पतला पतला धागा या रेशा होता है, तो उसी को हम लोग फाइबर्स कहते हैं। और यह जो फाइबर है ये चाहे तो हमें एनिमल या प्लांट से भी प्राप्त हो सकते हैं, या इनको हम लोग कारखाने में भी बना सकते हैं। और इसलिए इनको दो कैटेगरी में रखा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर, और जो दूसरा होता है वो होता है मैन मेड फाइबर। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल फाइबर की। नेचुरल फाइबर वैसे फाइबर को कहा जाता है जो हमें नेचर से या लिविंग थिंग से प्राप्त होता है, और इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक हो गया प्लांट फाइबर और दूसरा हो गया एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर का मतलब वैसे फाइबर से हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे बोरा वगैरह का जो धागा होता है वो प्लांट से ही उपज होता है। एनिमल फाइबर के अंतर्गत हम लोग ऊल को पढ़ेंगे और हम लोग सिल्क को पढ़ेंगे। ऊल हम लोगों को कई प्रकार के सीप, गोट या याक के बालों से आते हैं, और जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म से आता है। तो अब हम लोग देखते हैं ऊल क्या है। पहली बात, ऊल इज़ द सॉफ्ट वेवी हेयर विच कवर्स द बॉडी ऑफ ए सीप। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ऊल होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और वेवी हेयर है, जो सीप के पूरे बॉडी को कवर किए हुए रहता है। बिकॉज ऑफ वेवीनेस ऑफ ऊल, यानी जो ऊल की जो बनावट होती है वो उलेन फैब्रिक जो बनता है उसमें बहुत ज़्यादा बल्क होते हैं, यानी कि बहुत वो ज़्यादा घना होता है, जिसके वजह से उसमें हवा ज़्यादा से ज़्यादा फंसते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं हवा एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए जितना हवा को वो ट्रैप करेगा वह हम लोगों के शरीर को उतना ही गर्म रखेगा। यही कारण है कि उलेन जो भी कपड़े होते हैं, जो भी फैब्रिक होते हैं, वो कोल्ड में काफ़ी हमें गर्म रखते हैं। और अब हम लोग देखेंगे एनिमल्स जो हमें ऊल को दे सकते हैं। तो इसमें एक आएगा जो सीप का ब्रीड है, सीप के जो प्रकार हैं और उनसे किस तरह का क्वालिटी हमें मिलेगा और वो किस स्टेट में पाए जाएंगे। इसमें सबसे पहले लोही का नाम आता है। लोही पाए जाते हैं राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में, और इनका जो ऊन का क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं रामपुर बुशीर, जो ब्राउन फ्लीस देते हैं, ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तीसरा नंबर है नाली का, जो कारपेट ऊल देता है, ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाए जाते हैं। इसके बाद चौथा में आता है भखरवाल, और ये उलेन सॉल इससे मिलते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला नंबर है मारवाड़ी और पटनवाड़ी का, जो कि कोर्स ऊल और होजरी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये मंडली गुजरात में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर कश्मीरी गोट्स और अंगूरा गोट्स की बात करें तो ये जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं, और इनसे बहुत अच्छा सॉल मिलता है। इसके बाद जो याक हैं वो बहुत ही ऊँचाई वाले क्षेत्र जैसे लद्दाख और तिब्बत में पाए जाते हैं। और इसी तरीक़ा से दो और नाम आता है अंगूरा और लामा का, जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ टेबल दिया गए हैं सभी इम्पोर्टेंट का, इनका आप लोग याद कर लेंगे। तो बाल के आधार पर अगर हम लोग देखें तो इनमें दो प्रकार के कोर्स में इनको बांटा जाएगा। पहला वो होगा द कोर्स बियर्ड हेयर, यानी वैसे जानवर जिनके जो बाल हैं वो काफ़ी मोटे और लंबे होते हैं, और दूसरे होते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर
क्लोज टू स्किन, और ये वैसे एनिमल हुए इनके बहुत ही महीन महीन और छोटे बाल होते हैं। इनमें एक बड़ा ही अच्छा नाम आता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग पेरेंट को सेलेक्ट करते हैं, ताकि सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को उनके जो बच्चे हों, उनके जो ऑफ स्प्रिंग पैदा हों, उनमें एक निश्चित प्रकार के गुण मौजूद रहें। अब देखिए, कुछ जो गोट हेयर से उल प्राप्त होंगे उनमें एक कश्मीरी गोट का नाम आता है। ये काफ़ी ही सॉफ्ट इनके उल होते हैं और इनसे सॉल बुना जाता है, जिसको पश्मीना सॉल कहते हैं, काफ़ी कीमती होता है। ऐसे ही जो अंगूरा उल हैं, ये अंगूरा गोट्स से पाए जाते हैं और ये भी पहाड़ी एरिया जैसे जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। तो इनमें एक याक है जिनके बहुत ही मोटे और लंबे बाल होते हैं उनके शरीर पे, जिनसे ऊल प्राप्त किए जाते हैं, और ये प्रायः तिब्बत और लद्दाख जैसे बहुत ऊंचाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक लामा और अल्पाका है जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, और इनके बालों का भी इस्तेमाल ऊल की तरह किया जाता है। तो बस आज का क्लास इतना ही। आप लोग रीडिंग डालें और उसके अनुसार आप लोग नोट्स कॉपी बनाएं।